हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 141, 186, 231 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग करें जिसमें प्रत्येक दशा में शेषफल समान रहे। इस तरह के सवाल को दोस्तों बड़ी से बड़ी पूछा जाए तो हम क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका एलसीएम आप चाहे गुणनखंड विधि से ले या भाग विधि से ले, किसी भी तरह से ले सकते हो, लेकिन जो इनका एचसीएफ होगा वही इनका आंसर होगा। दोस्तों एचसीएफ के लिए हम शॉर्ट मेथड का प्रयोग करेंगे। हम क्या करेंगे, ये संख्या दी गई है, इसको हम डिफरेंस निकालेंगे इन संख्याओं का। हमारे पास संख्या दी गई 141, 186, 231, इसका और इसका हम डिफरेंस लेंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो हमारे पास 86 और 41 का डिफरेंस क्या है दोस्तों, 45। और फिर अब इसका और इसका लेंगे डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस क्या है, 45। दोस्तों हमारे पास जो एचसीएफ है वो 45 आया है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 45 होगा। इन संख्याओं को 45 से भाग देने पर क्या होगा, शेष प्रत्येक दशा में समान रहेगा। तो हमारा आंसर क्या है दोस्तों, 45।